अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद केपीडी जैन इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट और बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक भी मौजूद रहे। विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आगामी चुनावों के लिए प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में लगा है और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम तीव्र गति से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए जनपद की स्वीप की टीम भी निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी श्रृंखला में आज पीडी जैन इंटर कॉलेज में हजारों मोमबत्ती जलाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वही छात्रों को समझाया कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे और यह मत बिना किसी भेदभाव या जाति या धर्म अथवा प्रलोभन के प्रयोग किया जाए। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र का वोट जरूर बनना चाहिए। स्वीप ब्रांड एम्बेसडर कल्पना राजौरिया ने चलाए जा रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि कराने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताया और सभी से जागरूक मतदाता बनकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। अरविंद कुमार है, अपन नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद। ये प्रोग्राम जो है बीएसए मैडम और डीआईएस के सहयोग से हुआ है। मतदाता जागरूकता के में लोग अपने मतदान का वो करें और क्या कहते हैं सही टाइम पर करें, जैसे कि देश को अच्छी गवर्नमेंट वो मिले, तो इसके लिए आज ये हमारे बच्चे बीएसए बेसिक शिक्षा के और डीआईएस के वो इंटर कॉलेज के बच्चों ने मोमबत्ती जलाकर किया गया। लगभग ये संख्या होगी लगभग 1000 से ऊपर ही होगी। ये होगा उसमें जो स्वीप है उसको वोट फॉर राइट वो रंगोली बना करके उसको प्रज्वलित किया गया है। ये सब करके बच्चों ने भी सहयोग दिया, हमारे एनसीसी कैडेट्स हमारे बेसिक स्कूलों के टीचर्स हैं उन सब ने सहयोग किया। मैं इन दोनों का आभार प्रकट करना चाहूँ, डीआईएस साहब का और अंजलि मैडम का, कि इन लोग ने पूरा वो किया है। किस तरह का यहाँ पर मतदाता जागरूक प्रोग्राम किया? आज जनपद फिरोजाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कैंडल लाइटनिंग का प्रोग्राम रखा गया था पीडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जो बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और नगर निगम के सौजन्य से यहाँ पे किया गया है। कॉलेज की तरफ से पूरा आयोजन किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं भारी संख्या में हमारे एनसीसी कैडेट्स भी आए हुए हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और आसपास के नागरिकगण भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम सभी से अपील करते हैं कि अपने मतदान का उपयोग सही ढंग से एक नैतिक मतदान के रूप में सही समय आने पर ज़रूर करें।